साथी यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम अपने पास अभी आया। गौर करना, मान लो वन प्लस क्या स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ी देर में लिखेंगे, वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो ये होगा वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं बोलता हूं दिस इज फर्स्ट टर्म टी वन, दिस इज सेकेंड टर्म टी टू, ये थर्ड टर्म है टी थ्री। आप स्पेस छोड़ देना, थोड़ी देर में हेडिंग लिखना है। ये टी वन टी टू और टी थ्री लिखे हुए हैं बच्चे। यहां पे अपने से दो तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल ये है, अगर मैं आपसे कहूं किसी पर्टिकुलर एक्स पे, किसी दिए गए एक्स पे टी वन टी टू टी थ्री में कौन सबसे बड़ा टर्म होगा, सवाल क्या बन रहे? जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑप्टेन करते हो तो फॉर ए गिवन एक्स विच टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। नया वर्ड मैंने यूज किया, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। जब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट लाइन में यूज करता हूं, इसका अर्थ होता है केवल मैग्नीट्यूड की बात करनी है, साइन की बात नहीं करनी है। केवल किसकी बात करनी है? मैग्नीट्यूड की बात करनी है, साइन की बात नहीं करनी। दोबारा बताते हैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ऐसा वर्ड यूज किया जाता है, इसका अर्थ क्या होता है? मैग्नीट्यूड, साइन की बात नहीं होती है। तो पहला सवाल क्या बनता है, किसी दिए गए एक्स पे कौन सा टर्म सबसे बड़ा होगा? तो पहला सवाल यह बनता है, इसमें मैं बस बता रहा हूं सवाल कैसे कैसे बनते हैं। फॉर ए गिवेन एक्स, फॉर ए गिवेन एक्स, गिवेन एक्स विच टर्म, विच टर्म विल बी ग्रेटेस्ट, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। चलो पहला सवाल तो ये बन गया। मैंने स्क्वायर लिखा है, ऐसे क्यूब वाला सवाल बनेगा, पावर फोर वाला बनेगा, पावर हंड्रेड वाला बनेगा, पावर हजार वाला बनेगा। जब पावर हजार देके फिर पूछा जाए फॉर ए गिवन एक्स कौन सा टर्म बड़ा होगा, तो मुश्किल हो जाएगा। कोई ट्रिक अपने को पढ़नी पड़ेगी इसके लिए, कुछ एक मैथमेटिकल मॉडल अपने को डिजाइन करना पड़ेगा। पहला सवाल ये है, समझ आ रहा सवाल ना? दूसरा सवाल क्या बनता है, अगर मैं कहूं कोई पर्टिकुलर टर्म सबसे बड़ा है, जैसे मैं कहूं टी टू सबसे बड़ा है, तो एक्स कहां से कहां तक पुट कर सकते हैं? पहला सवाल क्या है, किसी दिए गए एक्स पे कौन सा टर्म सबसे बड़ा होगा। दूसरा सवाल क्या है, अगर ये पर्टिकुलर टर्म सबसे बड़ा है तो एक्स कहां से कहां तक होगा, एक्स उसमें क्या क्या पुट कर सकते हैं। अभी इसको और अच्छे समझाता हूं मैं। तो दूसरा पॉइंट अपने क्या पढ़ना है, इफ ए पर्टिकुलर टर्म इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का अर्थ यहां पर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, देन बैंड ऑफ एक्स विल बी, बैंड का अर्थ है रेंज, रेंज ऑफ एक्स विल बी। कुछ लोगों को यह लाइन थोड़ी सी कम समझ आई होगी, अब और अच्छे समझ आ जाएगी। देखो कहने का अर्थ यह है, जैसे मैंने इसको एक्सपेंड किया, वन प्लस एक्स का स्क्वायर, तीन टर्म आए, ठीक है, तीन टर्म आए बच्चे। अब गौर करना, यहां पे मैं एक्स की वैल्यू पुट करता हूं और यहां पे ग्रेटेस्ट टर्म की बात करता हूं, या टेबल बना लेते हैं ऐसे, यहां पे एक्स पुट करते हैं और यहां पे कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट है उसका नंबर लिखेंगे। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0.1 पुट करूं, टी वन टी टू टी थ्री में कौन सा टर्म बड़ा होगा? ऑफ कोर्स टी वन इज बिगर, इसकी वैल्यू एक है, ये 0.2 होगा और ये 0.01 होगा, कौन बड़ा है? टी वन। अच्छा मैं एक्स की वैल्यू थोड़ी बढ़ाता हूं, मैं एक्स की वैल्यू 0.5 कर देता हूं और थोड़ा छोटा करता हूं, 0.4, अभी कौन बड़ा है? 0.4 इंटू 2.8, वहां पे कितना आएगा? 0.16, अभी भी पहला ही बड़ा है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके मैथमेटिकल मॉडलिंग पे, ये दोनों बातें आप ध्यान से देखते रहना। अब मैं x को बढ़ाते बढ़ाते 0.5 पे ले गया, ये भी एक होगा ये भी एक, इस बार t1 t2 दोनों बड़े हैं और बराबर हैं आपस में, और आखिरी वाला कितना होगा 0.25, छोटा है। अब मैं x को 1.4 लेता हूं तो ये कितना होगा 2.8, 1.4 का स्क्वायर कितना होगा 1.96। अब सबसे बड़ा कौन है? t2, t2 इज बिगर। अच्छा, मैं अगर इसकी वैल्यू को 1.5 कर दूं, अभी भी कौन बड़ा है? t2। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू को 2 कर दूं तो t2 और t3 बराबर हो गए, और अब मैं x को 2.1 कर देता हूं, कौन सबसे बड़ा होगा? t3। अब कुछ भी x पुट करेंगे t3 बड़ा रहेगा, ऐसे निगेटिव में भी चर्चा करेंगे। अच्छा, निगेटिव में क्यों चर्चा करेंगे? क्योंकि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म देख रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, साइन की बात नहीं करते हैं इसमें। तो अब यहां पे पहला सवाल क्या बना? फॉर ए गिवन एक्स, सपोज एक्स इज 0.4, विच टर्म इज ग्रेटेस्ट? t1। एक्स इज 1.4, विच इज ग्रेटेस्ट? t2। फॉर ए गिवन एक्स विच टर्म इज ग्रेटेस्ट, पहला सवाल तो यह बन गया। किसी दिए गए एक्स पे किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का कौन सा टर्म सबसे बड़ा होगा, पहला सवाल यह बनता है। यहां तो गिन लिया क्योंकि छोटा था, हमेशा नहीं गिन पाएंगे। दूसरा सवाल क्या बना? अगर मैं आपसे कहूं कि t2 सबसे बड़ा टर्म होना चाहिए तो x का रेंज क्या होगा, कहां से कहां तक x आप पुट कर सकते हो? सवाल समझ आ रहा ना? अगर t2 दूसरा टर्म सबसे बड़ा टर्म हो तो x आप कहां से कहां तक पुट कर सकते हैं? गौर करो, जब आप 0.5 पर पहुंचे थे तब t1 और t2 बराबर हुए थे, t2 भी ग्रेटेस्ट टर्म की कैटेगरी में सम्मिलित हुआ। ऐसे ही जब आप 1.4, 1.5, 2 तक गए तब तक t2 बड़ा टर्म था। तो हमें ये मोटा मोटी आइडिया लग रहा है 0.5 से 2 के बीच का x अगर आप लेते हो तो कौन सा टर्म बड़ा रहेगा? t2। तो दूसरा सवाल क्या? इफ ए पर्टिकुलर टर्म इज ग्रेटेस्ट देन व्हाट विल बी बैंड ऑफ x, x का रेंज क्या होगा, बैंड क्या होगा? अगर मैं कहूं t3 सबसे बड़ा है और x पॉजिटिव है तो आप कहेंगे भैया अगर t3 को आप बड़ा कहते हो तो x 2 से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? 2 से बड़ा होना चाहिए। तो दो सवाल बना, किसी दिए गए x पे कौन सा टर्म बड़ा होगा, पहला सवाल। दूसरा, अगर कोई पर्टिकुलर टर्म सबसे बड़ा है तो x आप कहां से कहां तक पुट कर सकते हैं ताकि वो बड़ा बना रहे। इसकी बड़ी सी वैल्यू बात, इसकी वैल्यू की बात नहीं हो रही है कि 1+x² बड़ा से बड़ा कब होगा, बात हो रही इसका एक्सपेंशन जब आप करते हैं उसमें कई सारे टर्म्स आते हैं उनके बड़े या छोटे की बात करी जा रही है। पूरी कहानी समझ आई? अब आप ऊपर हेडिंग लिखना न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। सर, जब हम t1 और t2 को t3 सबसे बड़ा लेंगे तो उसमें 2 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो इसमें 2 कंट्रीब्यूट करेंगे कि नहीं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल करेंगे। तो दो वैल्यू मतलब साथ में आ जाए तो ग्रेटेस्ट कोई बिल्कुल कोई फर्क, दो बराबर हो सकते हैं। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म किसके एक्सपेंशन में, ये भी लिख लो, इन एक्सपेंशन ऑफ अभी ऐसा लिखना 1+x^n, किसी को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे, इन एक्सपेंशन ऑफ 1+x^n, इन एक्सपेंशन ऑफ 1+x^n। रब कर दो इसे,
ये टेबल जरूर बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें देखो जैसे अभी इन्होंने पूछा सर ग्रेटेस्ट टर्म क्या है, दो टर्म आपस में बराबर हो सकते हैं, ग्रेटेस्ट में बिल्कुल हो सकते हैं, वो दिख भी रहा है यहाँ पे। ये बातें बहुत सी किताबों में अच्छा दिया नहीं होता है, मतलब बहुत ही रफली वो फॉर्मूले लिख देते हैं कि ऐसा निकालता कभी फील नहीं कर पाओगे। नोट हो गया सब? अब देखो साथी, हमें तो जो चर्चा करनी है वो 1 + x^n के एक्सपेंशन में करनी है चर्चा। तो इसको जब एक्सपेंड करते हो आप, तो कोई फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड टर्म होगा, थर्ड टर्म, इसी प्रकार से आपके पास एक्सपेंशन में n-1th टर्म और nth टर्म आएंगे, लास्ट टर्म, यानी इतने टर्म्स आएंगे एक्सपेंशन में। ये सही लिखा गलत लिखा है? n+1 टर्म्स आएंगे, यानी आप कहां तक जाएंगे, tn+1 तक चलेंगे, प्लस, क्योंकि एक्सपेंशन में टोटल n+1 टर्म्स आने वाले हैं। अब तुम्हें वही दोनों सिचुएशन अप्लाई करनी है। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, ग्रेटेस्ट टर्म फॉर ए गिवन x। पहले क्या पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट टर्म फॉर ए गिवन x। फिर क्या पढ़ेंगे कि कोई गिवन टर्म सबसे बड़ा है तो x कहां से कहां तक हो सकता है। समझ गए ये बात? तो बच्चे पहली बात पढ़नी है ग्रेटेस्ट टर्म फॉर गिवन x। यहां पे x नोन है, ग्रेटेस्ट टर्म फॉर ए गिवन x। तो मैं कहता हूं भाई मान लेते हैं जो आर एथ टर्म होगा वो सबसे बड़ा टर्म है। मैंने मान लिया कि जो आर एथ टर्म है वो सबसे बड़ा टर्म है। आर मुझे नहीं पता, वही तो पता करना है, आर ही तो पता करना है ना, फॉर ए गिवन एक्स कौन सा टर्म सबसे बड़ा होगा। तो मान लेता हूं, लेट यहां कहीं बीच में मान लिया टी आर आया होगा और मैंने कहा कि यही सबसे बड़ा टर्म है, लेट टी आर इज ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट यानी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं, इज ग्रेटेस्ट टर्म एट एक्स। टी आर को मैंने ग्रेटेस्ट टर्म मान लिया। अब देखो मैं इन सारे टर्म्स के लिए ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, इन सारे टर्म्स के लिए ग्राफ बनाता हूं बच्चे। यहां पे टर्म के मैग्नीट्यूड आएंगे और यहां पे आर चल रहा है, यहां मैग्नीट्यूड में कर देता हूं और यहां पे आपका आर चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आर बराबर एक पुट किया, ये आर एक्सिस है, आर बराबर एक पुट किया तो मुझे एक टर्म यहां पे ऐसे मिल गया, क्योंकि हम मॉड लगा के चल रहे हैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर रहे हैं, राइट, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ये टी वन है, आर बराबर एक की बात है, ये कौन सा टर्म आपका है, टी वन। टी टू मान लिया थोड़ा सा और बड़ा है, आर बराबर दो पे वैल्यू बढ़ गई है, ये टी टू है। टी थ्री मान लिया थोड़ा सा और बड़ा है, ये r बराबर 3 पे वैल्यू है और ऐसे चलते हुए जाएंगे। मैंने कहा आर एथ टर्म जो भी हो सबसे बड़ा टर्म है, टी आर सबसे बड़ा टर्म है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, यहां पे क्योंकि मैंने मान लिया टी आर इज ग्रेटेस्ट टर्म, तो मतलब यहां पे जो पोजीशन है वो r ही चल रही है,
लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा, आर बराबर के मानते ज्यादा अच्छा लगता, तो है नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आर की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे ग्रेटेस्ट टर्म आ गया है ऐसा मान के चल रहे हैं, या इसको बदल दूं, कर देता हूं, नहीं कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। टी के इज ग्रेटेस्ट टर्म, ये आर एक्सेस माने, तो मैंने कहा भाई आर बराबर के पे सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, टी के सबसे बड़ा टर्म है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि के आस पड़ोस में कोई भी आर अगर आप लेते हैं सबसे बड़ा कौन रहेगा, टी के, सबसे बड़ा कौन रहेगा, टी के। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो मान लिया कुछ यहां पे आपके पास आता है ऐसा कुछ टी एन, और बिल्कुल लास्ट में आता है टी एन प्लस वन। मैंने रफली बनाया है, बोलो सर ये क्या टी एन प्लस वन सबसे बड़ा नहीं हो सकता है, अरे मैंने रफ डायग्राम बना रखा है, वही तो आर पता करना है जिसपे सबसे बड़ा टर्म आएगा। मैंने मान लिया कि आर बराबर के पे सबसे बड़ा टर्म आ रहा है, आर बराबर के पे सबसे बड़ा टर्म आ रहा है फॉर ए गिवन एक्स, वही तो आर निकालना है। वो आर वन भी हो सकता है, वो आर टू भी हो सकता है, वो आर थ्री भी हो सकता है, वो आर एन प्लस वन भी हो सकता है। ये मैंने रफ डायग्राम बस बना रखा है, ये सबसे बड़ा वाला डंडा कहीं भी आगे पीछे हो सकता है। किसी को यहां पे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, पक्का? तो देखो भाई इतनी बात समझ गए, थोड़ा सा ये टॉपिक अगर एक बार समझ आ गया फिर दिक्कत नहीं होने वाली है। ये यार आर बराबर एन है, एन प्लस वन है। तो देखो भाई डेफिनेशन से अभी जो थोड़ी देर पहले टेबल बनाया, अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल के दम पे हम ये कह रहे हैं कि जो टी के होगा वो टी के माइनस वन से बड़ा या उसके बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। आपने देखा था जब मैंने कहा टी टू सबसे बड़ा टर्म है तो होता था टी टू टी थ्री के बराबर भी हो जाए या टी टू टी वन के बराबर भी हो जाए, ये भी बात हुई थी, किसी को दिक्कत नहीं भाई, दो टर्म आपस में बराबर हो सकते हैं फॉर गिवन एक्स। क्योंकि सबसे बड़ा टर्म है तो अपने से पहले वाले से या तो बड़ा होगा, यानी जैसे पिछले फिगर में जो पहले हमने टेबल बनाई थी उसमें T2 जब बड़ा था, T2 एक दफा T1 के बराबर भी हुआ था, तो T2 is greater than equal to T1, यानी TK TK minus 1 से बड़ा या उसके बराबर होगा। एंड दूसरी बात, TK और किससे बड़ा होगा, अपने बाद वाले से भी बड़ा होगा, बोलो बच्चे हाँ या ना, अपने बाद वाले से बड़ा होगा या बराबर होगा। जब T2 बड़ा था T2 T3 के बराबर भी हो सकता था, इतनी कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये वो इनइक्वालिटी है, ये वो कंडीशन है जहां से हमें सब कुछ मिलने वाला है, यहीं से मुझे R मिलेगा, ठीक है। इतनी बात नोट करो, फिर से हमें सॉल्व करना है भाई। ये किसका मैग्नीट्यूड हमने प्लॉट कर रखा है, ये मैग्नीट्यूड क्या है, टर्म का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ टर्म। यानी यहां जब वैल्यू लिखेंगे तो क्या लगा लेंगे, मॉड लगा लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, मॉड लगाना। आज मैं तुम्हारी डीपीपीस कंपाइल करवा देता हूं, तो वीक में तुम्हें दो दो तीन तीन डीपीपीस दिया करूंगा पिछले चैप्टर्स के रिवीजन के लिए, दो से तीन इससे अधिक नहीं मिलेंगे अभी। अगर उनमें आपको लगता है कि नहीं सर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, तो डीपीपीस की फ्रीक्वेंसी फिर डेली वाली हो जाएंगी, 10-15 सवाल डेली सभी लोग, लेकिन अब आज और कल में आपका ज्यादा दिन नहीं है, फॉर्म में आओ, क्लास नहीं छोड़नी, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए किसी की। तो बच्चे अब टी के का फॉर्मूला लिखते हैं, जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं, तो साथ ही टी के का फॉर्मूला क्या होगा, एन सी के माइनस वन, वन पे पावर एन माइनस के प्लस वन, एक्स पे पावर के माइनस वन।
ये टी के है, टी के एक दफा टी के माइनस वन से बड़ा हो रहा है और एक बार टी के प्लस वन से बड़ा हो रहा है। चलो अभी मैंने टी के निकाला, एक बार टी के प्लस वन भी निकाल लेते हैं। एन सी के वन पे पावर के प्लस वन आप पुट करेंगे तो यहां एन माइनस के आएगा, एक्स पे पावर के आएगा। एज पर दिस क्राइटेरिया टी के शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टी के प्लस वन। ठीक है, तो बच्चे आप टी के को टी के प्लस वन से बड़ा करिए, यानी एन सी के माइनस वन एक्स रेस टू द पावर के माइनस वन। अच्छा, यहां पे मॉड लगा के चलना है, ये भी शर्त है, राइट? तो मॉड की तो यहां जरूरत है नहीं, एन सी के तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, यहां पे जरूरत है। कोई पूछेगा भाई मॉड क्यों लगा दिया, रीजन आपके पास है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हम निकाल रहे हैं, क्योंकि फॉर ए गिवन एक्स, एक्स कैन बी निगेटिव, दिया हुआ एक्स निगेटिव भी हो सकता है। तो बच्चे ये वैल्यू किससे बड़ी होगी, टी के प्लस वन, तो वन लिखने का कोई अर्थ है नहीं। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर भाई। अब देखो यहां पे एन सी के माइनस वन, अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे, तो ये एक्स पे पावर के का मॉडुलस अपॉन मॉडुलस एक्स लिखा हुआ है, बोलो बच्चे हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, भाई यहां पावर माइनस वन में है, एक एक्स तोड़ दिया, एक्स पावर माइनस वन तो नीचे ले गया। यहां पे एन सी के इसको ये खा गया, इनइक्वालिटी का साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, मॉडुलस है। यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बस अगर एक्स जीरो हो गया, एक्स जीरो हो गया तो आप सॉल्व करने क्यों जाओगे, पहला टर्म ग्रेटेस्ट है, एक ही टर्म आया ना, फिर तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक्स भाई ऐसा कोई एब्रप्ट सवाल पूछ सकता है कि भाई यहां पे एक मैथमेटिकल कॉन्ट्रडिक्शन है, मैं एक्स को नॉन जीरो मान के चल रहा हूं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एन सी, एन सी, ये भाई बहुत ही बड़ी बात अपन करने जा रहे हैं, और हमारे किसी साथियों अगर इसमें दिक्कत नहीं हुई फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, काफी आगे। मॉडुलस एक्स, बात इसको फील करने के, सवाल तो इसके हो जाएंगे, समझ आया? अच्छा, हमें निकालना क्या था, भूल गया, हमें के निकालना है, क्या निकालना है? एक्स दिया गया है, कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट है, यही तो खराब आदत अपनी है, अपन कोई कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते नीचे वाली लाइन में ऊपर वाली लाइन भूल गए, कनेक्ट ही नहीं हुआ। भाई हमें क्या निकालना है, के निकालना है, एक्स तो दिया हुआ है ना, क्या निकालना है, के, फॉर ए गिवेन एक्स विच टर्म इज ग्रेटेस्ट, मैंने मान लिया था R बराबर K पे ग्रेटेस्ट, हमारा K एथ टर्म इज ग्रेटेस्ट, हमें K ही तो निकालना है, इतनी बात समझ आ रही है? X पता है। अच्छा, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, ये लिखा हुआ है N फैक्टोरियल, ऐसी इनइक्वालिटी, ऐसी आइडेंटिटी सॉल्व करना सीख लिए थे भाई पिछली क्लास में, N माइनस K प्लस वन फैक्टोरियल, ये बच्चे बड़ा आ रहे हैं, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस K फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल इंटू मॉडुलस एक्स, n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल खा गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चे इसे, तो देखो लाल यहां पे 1 अपॉन k माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस k प्लस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल, समझ आ रहा कैसे लिखा ना, प्लस वन था उसे कम किया माइनस दिस फैक्टोरियल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, पक्का? अरे भाई थ्री फैक्टोरियल क्या होता, थ्री इंटू टू फैक्टोरियल, मैंने थ्री इंटू थ्री माइनस वन फैक्टोरियल, फोर का अर्थ क्या है, फोर इंटू फोर माइनस वन फैक्टोरियल, तो इसका अर्थ क्या हुआ, एन माइनस के प्लस वन इंटू एन माइनस के फैक्टोरियल से कम। ठीक है, ये ग्रेटर देन आ रहे मॉडुलस एक्स अपॉन एन माइनस के फैक्टोरियल के इंटू के माइनस वन फैक्टोरियल, बोलो बच्चे हाँ या ना, के माइनस वन को के माइनस वन खा गया, इसको ये खा गया, तुम्हें के निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो के इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस एक्स
एन माइनस के प्लस वन। इतनी बात क्लियर है? अब देखो यहां से अभी भी क्या निकालना है, के, ठीक है, इस सबको एक तरफ ले आओ, यानी के वन प्लस मॉडुलस एक्स दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस एक्स एन प्लस वन। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? ये नोट कर लिया है? यहां तक आओ, हमें के पे एक इनइक्वालिटी मिल गई, यही तो चाहिए था। के किसी से बड़ा आ गया है, अब क्या दूसरे को सॉल्व करें, के किसी से छोटा आएगा, वो मैं सीधे लिखने वाला हूं अभी। ठीक है, तो बच्चे इसे जब आपने सॉल्व किया थी आया के इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस एक्स एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉडुलस एक्स। यहां पे आपको एन पता है, मॉडुलस एक्स पता है, सब कुछ पता है। एन तो पता ही है ना, क्योंकि वन प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन किया, और एक्स भी पता है फॉर ए गिवन एक्स। तुम्हें निकालना क्या, कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट है, तुमने के एथ मान रखा है, तो के पे भी एक कंडीशन ये मिल गई है। अच्छा, जैसे मान लिया के एक से बड़ा है, तो के किससे छोटा होगा फिर? पक्की बात है दो से छोटा होगा। वो सर ये बात कम जम रही है। अच्छा, अगर ये बात कम जम रही है, दूसरी इनइक्वालिटी अपने को सॉल्व करनी पड़ेगी। दूसरी इनइक्वालिटी कौन सी है? टी के किससे बड़ा है? टी के माइनस वन से। टी के किससे बड़ा है? tk माइनस वन से। तो बच्चे आप दूसरी इनइक्वालिटी को इसी तरीके से सॉल्व करो। अब मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा हूं, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा वो बता देता हूं आपको। तो बच्चे मिलेगा k जो भी है, दैट इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एक्स एन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉडुलस एक्स। लिखो, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट दिस वन। समझ आया क्या करना है ना? जैसे ये सॉल्व किया, ऐसे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे, आप यहां पहुंच जाओगे। कुछ साथी को ऑब्जर्वेशनल स्किल यहां पे लगानी चाहिए। जब आपने फॉर ए गिवन एक्स ग्रेटेस्ट टर्म निकाला था, तो ऐसा हुआ था, अगर टी वन बड़ा हुआ था तो यह हो सकता था कि टी वन के साथ साथ टी टू बड़ा हो जाए, दोनों बराबर हो जाएं। ऐसा नहीं हुआ टी वन बड़ा है और टी थ्री बड़ा है, बीस का टी टू छूट गया, ऐसा कभी नहीं होता है। जब दो बड़े टर्म आते तो साथ साथ आते हैं, ऐसा हो सकता है। जैसे मान लिया किसी पर्टिकुलर एक्स पे टी वन भी बड़ा है, टी टू भी बड़ा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? परस्पर बराबर। नहीं तो कोई अकेला ही बड़ा रहेगा।
अगर ये बात समझ आती अच्छी है, नहीं इतना दिमाग मत लगाओ अभी। ये इनइक्वालिटी समझ आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो बच्चे के का जो रेंज है, के आया सॉल्व करने पे, फिर बताता हूं क्या याद करने, अभी कुछ लोगों को नहीं तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। 1 प्लस मॉडुलस एक्स, के इससे बड़ा है और के छोटा है, मॉडुलस एक्स एन प्लस टू प्लस वन। फिर मैं बताता हूं, पहले एक सवाल इससे कर लेते हैं। तो आपको ये कंडीशन अगर याद है तो आप बहुत जल्दी इसका आंसर कर पाएंगे। इसको याद रखना भी बहुत आसान है, अभी थोड़ी देर में मामला बहुत आसान होने वाला है। सवाल ये बच्चे, इफ ये ऐसा लिखते हैं, विच टर्म इज greatest in expansion of 1 plus x to the power 17 at x equal to 1 divided by 5 या 1 divided by 2 लिख लो, एट एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 कौन सा टर्म सबसे बड़ा होगा? तो मैंने मान लिया kth टर्म सबसे बड़ा है, kth टर्म सबसे बड़ा है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? जो k है, k विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस x n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस x एंड लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एक्स एन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉडुलस एक्स। ये फॉर्मूला आपने डेराइव कर लिया है, इसी में तुम्हें एन की वैल्यू 17 और एक्स की वैल्यू 1/2 पुट कर देनी है। ठीक, पहले एक बार इसको लगा लेते हैं फॉर्मूले को एज इट इज, फिर कुछ शॉर्टकट सीखेंगे इसमें कैसे हम जल्दी जल्दी करेंगे। तो बच्चे यहां पर एक्स कितना है? 1/2 17 वन 18 एक्स 1/2 है, यानी 1 प्लस 1/2 के लेस देन इक्वल टू यहां पुट करते हैं 1/2 और 17 टू 19 अपॉन 3/2। चलो भाई यहां से बताओ के का रेंज क्या आ रहा है, किसके किसके बीच में आ रहे हैं? तो बच्चे कह रहे हैं भाई इसको सॉल्व करने पे के जो भी है वो 6 से बड़ा या 7 के बराबर आया। इसका अर्थ क्या है कि t6 के बराबर 6 पुट करने पे ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगा और के बराबर 7 पुट करने पे भी ग्रेटेस्ट मिलेगा। ये कौन सी कंडीशन हुई जब दो बराबर हो रहे थे? ये वो वाली शर्त है, 6 और 7 क्योंकि दोनों इंटीजर्स हैं, के दोनों हो सकता है, मतलब दोनों पे ग्रेटेस्ट आएगा, दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी? बराबर। ये वो वाली कंडीशन है जो हमने 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर में एक्सप्लेन किया था। अच्छा सवाल ये उठता है, सर क्या होता अगर के जो भी है 6.5 और 7.5 के बीच में आता? क्योंकि के इंटीजर है, गौर करना, के अगर 6.5 और 7.5 के बीच में आता क्योंकि के इंटीजर है तो के की वैल्यू क्या लेते? 7। के इंटीजर होना चाहिए। बोल सर क्या ऐसा भी होता कभी ऐसा हो जाए के का ऐसा कुछ रेंज आए कि बीच में इंटीजर ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि जो आपने इनइक्वालिटी डिराइव करी है, टी के को टी के प्लस 1 से बड़ा किया है, टी के माइनस 1 से बड़ा किया है, तो दो दो टर्म के बीच का स्पैन कितने का है? 1 का है, तो कम से कम बीच में एक इंटीजर के तो आएगा ही, वो इनइक्वालिटी ही कहती है। तो इसीलिए पहले वाली इनइक्वालिटी मैंने क्या किया था, जो मैंने ये लिखा था, बताऊं क्या किया? आपने टी के पहले डेराइव कर लिया कि के जो भी है मॉडुलस एक्स एन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस एक्स से बड़ा आ रहा है, किसी से बड़ा आ रहा है, किससे छोटा होगा, इसी में एक जोड़ दो। यानी किसमें एक जोड़ना है? मॉडुलस एक्स एन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस एक्स में एक जोड़ दो, आपको यह मिल जाएगा।
फिर से रिपीट करता हूं, के के जो भी है मॉडुलस एक्स इंटू एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉडुलस एक्स से बड़ा आर है, छोटा किससे होगा, इसी में एक जोड़ दो उससे छोटा रहेगा। अगर ये इंटीजर है तो ये भी टर्मिनल इंटीजर रहेगा। अगर ये वन बाई टू आर है तो इस ये कितना आएगा, थ्री बाई टू। ये फाइव बाई टू आर है तो कितना आएगा, सेवन, सेवन बाई टू, राइट। तो यानी मॉडुलस एक्स एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉडुलस एक्स में एक जोड़ दो, एक जोड़ने पर क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तभी मैंने सीधे लिख दिया इसे, यही आने वाला सॉल्व करने पे। ये कहानी समझ आई अच्छे से? तो आपको बस एक साइड की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, आप इसे याद रखना है रिजल्ट को, कि जो k है दैट विल बी ग्रेटर देन मॉडुलस x n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस x। चलिए खैर, अब देखो बच्चा ये वाली कंडीशन आ गई अपने पास, तो इसका मतलब टी सिक्स और टी सेवन दोनों पे ग्रेटेस्ट टर्म आएंगे, दोनों बराबर होंगे। बोले मास्टर झूठ बोल रहे, कैलकुलेट करके देखते हैं। मैं क्या, मैं तो मैथ को पर इल्जाम लगाऊंगा। T6 कैलकुलेट करते हैं, तो T6 योगा भाई 17 C 6 माइनस 1 यानी 5, X पे पावर क्या होगा बच्चे, 6 माइनस 1 5, x 1 बाई टू है। अरे भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, 17 सी 5 इंटू 1 बाई टू पे पावर 5। अच्छा t7 जरा देखते हैं, ये कितना आएगा, 17, बोले सर दोनों बराबर कैसे होंगे, ये तो भाई निकालना पड़ेगा फिर, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 17 सी 5 और 17 सी 6 में क्या कोई रिलेशन है, अरे तभी तो पता कर पाओ कौन बड़ा कौन छोटा है, पूरा क्यों सॉल्व करोगे भाई, यही निकाल लो 17C5 और 17C6 में क्या संबंध है। अगर ये प्रूफ कर ले गए कि 1 बाई टू 17C5 बराबर इतना होता है, फिर तो ऐसे ही प्रूफ हो गया। या इसमें 1 बाई टू मल्टीप्लाई करने पे आई थिंक ये सही होगा, अगर ये इसके बराबर आता है तो आपकी बात ऐसी प्रूफ हो जाएगी, T6 और T7 बराबर हैं। चलो जरा प्रूफ करके देखो कि इन दोनों का रेशियो क्या 1 बाई टू आ रहे, 17 C5 यानी 17 फैक्टोरियल, इधर से भी 17 आएगा कट जाएगा, बच्चे आप खुद करना नहीं तो सीख नहीं पाओगे, 1 अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल मैंने काट दिया है, 11 फैक्टोरियल इंटू इसको ऊपर भेज दो, तो 11 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर दो, यानी 11 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 12 इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। भाई गणित तो बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है, 6 बाई 12 इज 1 बाई 2। मैंने क्या प्रूफ किया समझ रहे हो आप, अरे मैंने ये प्रूफ किया कि यहां पे 2 पे पावर 5 यहां पे 6 है, तो अगर एक 1 बाई 2 इसको उधार दे दें तो यहां पे 1 बाई 2 पे पावर 5 आ जाएगा, तो 1 बाई 2 इंटू 17C6 17C5 के बराबर प्रूफ कर लें। अब आगे से विश्वास करना मैथ पे, इतनी बात क्लियर हो गई, कितने लोग ये बात समझ पाए, बहुत ही धीरे 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 हमने गाड़ी स्टार्ट करी, कितने लोगों की बात समझ आ रही है अच्छे से कि किसी दिए गए एक्स पे ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालना है, कुछ दिक्कत है लाल? चलो मैं सवाल देता हूं, आप लोग एक बार दोबारा अपने आप से कोशिश करो सॉल्व करने के लिए। भाई तो सवाल है बच्चे, 3 माइनस 2 एक्स पे पावर 15, इसमें ग्रेटेस्ट टर्म बताना है एट x इक्वल टू 1 बाई 5। वैसे सवाल का आंसर केवल क्या था,
छठा और सातवां टर्म जो भी होगा वो ग्रेटेस्ट होंगे। ये तो मैंने उनकी वैल्यू बता दी क्या आ रही, बराबर आएगी कि नहीं आएगी, आपको समझाने के लिए। अगर कोई कहे ग्रेटेस्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये वैल्यू आंसर में करके आ जाएंगे भाई। यहां एट एक्स इक्वल टू वन बाई फाइव, व्हाट इज ग्रेटेस्ट टर्म? इस बार ग्रेटेस्ट टर्म की वैल्यू पूछ ली है। तो ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछा गया, आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे। बच्चे बोलो सर आपने जो फॉर्मूला डेराइव किया तो किसी और के लिए किया था, वन प्लस एक्स के लिए, यहां पे तो ऐसा है ही नहीं है। कौन कौन इसका आंसर करेगा? जो हमने फॉर्मूला डेराइव किया था के वाला, वो तो बच्चे वन प्लस एक्स पे पावर एन के लिए था। कई लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं, जो आपने फॉर्मूला डेराइव किया था वो इसके लिए था। बोलो भाई हाँ या ना। तो यहां पे क्या किया जाए? थ्री को वन प्लस वैसे टू लिख के और उसको फिर एक मान लेंगे, फिर तो बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा। वैसे कर सकते हैं, लॉजिक बिल्कुल सही है। ये था, अब सवाल ये ऐसे लिखा गया है तो फिर क्या करें, इसको इसके जैसा बना लो। कैसे बनाओगे? थ्री कॉमन निकाल के। समझ गए बच्चे? यहां से थ्री क्या करना है? कॉमन निकालना है। तो बचा क्या? वन माइनस टू एक्स अपॉन थ्री। अब एक्स की जगह पे क्या रखना है? माइनस टू एक्स बाई थ्री। क्या रखना है? माइनस टू एक्स बाई थ्री, 3 पे पावर 15 बाद में मल्टीप्लाई कर देना केवल आप इसके लिए कैलकुलेटर, ये तो कांस्टेंट है ना, ये बाद में मल्टीप्लाई कर देना जो आएगा। अब आप अपनी बैटिंग इसके लिए करोगे। कैसे लिखा? यहां 3 कॉमन निकाला और अब ये इसके जैसा हो गया। फॉर्मूला यूज करना आपके लिए बहुत आसान है। तो हमने क्या सीखा? इनइक्वालिटी का केवल एक साइड सॉल्व करेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे दूसरा मिल जाएगा। समझ गए ना? तो बच्चे यहां पर मैं k ग्रेटर देन इक्वल टू ये लिख देता हूं, मॉड x था, यानी माइनस टू एक्स बाई थ्री का मॉड है, n प्लस वन है अपॉन वन प्लस मॉड x है। भाई इसमें तो कोई बहुत मेहनत करनी नहीं है, ये बैटिंग केवल किसके लिए करी जा रही है? इसके लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 पे पावर 15 कांस्टेंट है, जो आएगा उसमें बाद में, क्योंकि ये तो सब में मल्टीप्लाई होगा ना। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो 3 पे पावर 15 सारे टर्म में मल्टीप्लाई हो रहे। जैसे मान लो सबको दो 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 रुपया कुछ भी दे दिया गया, सब में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो जितनी अमीरी गरीबी पहले थी वही अब भी रह जाएगी, उसे कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा। ये बात क्लियर है? तो बच्चा ये आ गया। अच्छा एक्स कौन से एक्स पे निकालना है? 1/5 पे। एन पता है तुम्हें? एन कितना है? 15। पुट कर दो यहां पर वैल्यू, यानी के 1/5 यहां पुट करोगे बच्चे, 2/15, 2/15 इंटू 16 अपॉन 2/15 प्लस 1, यानी 17/15। बोलो बच्चे हां या ना। तो के की वैल्यू बड़ी आ गई 32/17 से। तो के छोटा किससे होगा? इसी में एक जोड़ दो, कहानी समझ आ रही है? इसी में एक जोड़ दो, यानी 49/17। बताओ भाई के का बॉक्स डिब्बा क्या होगा? 2। इंटीजर वैल्यू, इसके बीच में एक ही इंटीजर 2 आ रहे, यानी भाई के की वैल्यू 2 आ गई, तो इसके एक्सपेंशन में दूसरा टर्म ही सबसे बड़ा हो जाएगा। हालचाल बढ़िया। तो अब आप यहां पर बच्चे T2 की वैल्यू निकालोगे, C2 नहीं, T2। तो T2 भैया का मान निकाल लो, 3 पे पावर 15 मल्टीप्लाई में आएगा आएगा, ये तो बाहर ही था, 15 C2 माइनस 1 इंटू 1 आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस 2x अपॉन 3 पे पावर 1, 2 माइनस 1। लेकिन ग्रेटेस्ट टर्म न्यूमेरिकली निकाल रहे हो तो आप मॉड लेके चलना,
माइनस साइन नहीं लेना है, ऐसे आप लिख लो, यहां पे मॉड लगा लो। मॉड क्यों लगाया? क्योंकि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकाल रहे हो। बोलो बच्चे ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये देखो इतना खतरनाक टॉपिक सीख गए आप। लेकिन अभी इसके और रूप बाकी हैं, ऐसे खुश नहीं होना है। एक्स की वैल्यू 1/5 आप यहां पुट कर दो तो बच्चे ग्रेटेस्ट टर्म आपको मिल गया T2। अच्छा 15C1 कितना होता है? 15 × 2/15। मास्टर ने डेटा भी सोच समझ के दिया लगता है। 2 × 3/15, ये बच्चे राइट आंसर है। यही सबसे बड़ा वाला टर्म आ गया। बोलो भाई हाल चाल बढ़िया? अगली हेडिंग लिखो मिडिल टर्म। मिडिल टर्म अपने मॉड्यूल से बच्चे ग्रेटेस्ट टर्म के सवाल करने शुरू कर देना। मिडिल टर्म, मिडिल की स्पेलिंग सही है? डबल डी क्यों आता, सिंगल क्यों नहीं आता, कोई बताएगा? नहीं, क्या बात करते हैं यार। मिडल बोलते हैं, मतलब ये बात बिल्कुल सही है। किसने कहा इंग्लिश? तो मानते नहीं कि पहले आया, पहले हिंदी आया। अपने वेदाज में आया, सही है, हम इसको मानते हैं। वी आर क्रिएटर्स, चलो ये कल पढ़ेंगे।